जाह्नवी कपूर और अर्जुन कपूर दोनों जो हैं कजिन्स हैं और दोनों की फिल्में जो हैं एक ही दिन रिलीज हुई। अर्जुन कपूर की फिल्म आई एक विलेन रिटर्न्स जो कि सिनेमाघरों में आई, वहीं जाह्नवी की फिल्म जो आई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, उनकी फिल्म का नाम है गुड लक जेरी। और आपको ये बताएं कि इस फिल्म में जेरी यानी कि जाह्नवी कपूर ने ऐसा काम किया है कि वो अपने भाई अर्जुन कपूर को मात देती हुई दिख रही हैं। जी हाँ, एक्टिंग का मामला हो चाहे स्टार्स का मामला हो, जाह्नवी जो है अपने भाई अर्जुन पे भारी पड़ रही हैं। जी हाँ, एक विलेन रिटर्न्स को बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, बहुत अच्छी कह सकते हैं कि जो सीक्वल है एक विलेन का वो बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिला लोगों को और लोग जो है इस फिल्म से निराश हैं। समीक्षकों ने भी एक विलेन रिटर्न्स को जो है बहुत अच्छी रेटिंग्स नहीं दी है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि गुड लक जेरी कैसी फिल्म है। जाह्नवी कपूर वो एक्ट्रेस हैं जो फिल्म दर फिल्म खुद को निखारती जा रही हैं। कहीं ना कहीं श्रीदेवी का असर है उनमें कि हर फिल्म के साथ वो जो है बेहतर हो रही हैं। इस फिल्म में जाह्नवी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, उनकी एक्टिंग की हम ढेर सारी बातें करेंगे लेकिन बाद में। पहले आपको कहानी बता देती हूँ कि गुड लक जेरी की कहानी क्या है। कहानी है, आपको बताऊँ, जया कुमारी और छाया कुमारी ये दोनों जो है अपनी माँ के साथ पंजाब में रहती हैं। हैं इनका परिवार जो है बिहार का है और इनके पिता का निधन हो चुका है और माँ जो है मोमोज बेचकर अपना घर का खर्च चला रही हैं। लोअर क्लास फैमिली है, किराए के घर में रहते हैं और कहीं ना कहीं जाह्नवी को उनका घर जो है चूहा खाना लगता है और इसलिए घर की स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाए इसके लिए वो मसाज पार्लर में काम करती हैं और इससे उनकी माँ और बहन बहुत नाराज़ होती हैं। माँ को लगता है कि उनकी बेटी गलत काम कर रही है, वहीं छोटी बहन को लगता है कि बड़ी बहन के काम की वजह से जो है उनकी शादी रुक जाएगी। तो ये पूरा एक परेशानी जो है जेरी यानी कि जया कुमारी की लाइफ में है। इसी बीच पंजाब में जो है ड्रग्स को लेकर जो है काफ़ी आए दिन खबरें आती हैं तो इस फिल्म में भी ड्रग्स को केंद्र में रखा गया है। ड्रग्स के इर्द गिर्द जो है ये पूरी फिल्म है। तो जया कुमारी यानी कि जेरी को जो है इसी बीच मौका मिलता है कि वो ड्रग्स को जो है यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम कर सके और इसकी वजह ये है कि जया की माँ जो है उनको जो है लंग कैंसर हो जाता है और अपनी माँ का इलाज कराने के लिए जो है वो ड्रग पेडलर्स जो हैं उनके पास जाती है और वो कहती है कि मैं आप लोग जो आपके लोग हैं वो पकड़े जाते हैं क्योंकि लड़कों की जो है पुलिस जाँच करती है लेकिन मैं जो है अपने टिफ़िन में डालकर जो है ड्रग्स को यहाँ से वहाँ पहुंचा दिया करूंगी और ये काम वो करती है और बहुत ही सफाई से जो है वो इस काम को कर रही है और पैसे कमा रही है और अपनी माँ का इलाज कर रही है। लेकिन फिल्मों में हर चीज़ बहुत इतना स्मूथ तो चलता नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं एक ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट आ जाता है कि जिस गैंग के लिए जेरी काम कर रही होती है उसी गैंग का एक लड़का जो है पुलिस को खबर कर देता है और फिर जो है चेकिंग में जो है वो कहीं ना कहीं एकदम बिल्कुल पकड़े जाते हुए बच जाती है। फिर उसे लगता है कि ये काम बहुत मुश्किल भरा है तो ऐसे में जो गैंग का लीडर है उसकी वजह से उन दो लड़कों को मार देता है जिसमें से एक लड़का वो होता है जिसने वाकई पुलिस को खबर दी थी और दूसरा वो जिसपे जिसका मोबाइल उसने लिया था। और यहाँ पर जो है आपको जेरी की शातिरगिरी देखने को मिलती है कि उसका काम सही से चले इसके लिए वो दो कत्ल करवा देती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि नहीं, वो गलत जगह फंस गई है, अगर यहाँ वो जेल चली गई या फिर इन लोग जिस तरह से बात बात में लोग गोली चलाते हैं कहीं उसके साथ भी कुछ ऐसा हो जाए। जेरी जो है ड्रग्स की दुनिया से निकलना चाहती है लेकिन वो तमाम लोग जिनके साथ वो काम कर रही है वो उसे निकलने नहीं देते और उसी दौरान जो है इनके गिरोह का जो सरगना है उसका दिल भी जेरी पे आ जाता है। वो चाहता है कि जेरी उसके लिए काम करती रहे। इसी बीच जेरी जो है उसको मार करके अपने घर भागती है और फिर जब वो घर जाती है तो देखती उसका परिवार जो है उन गुंडों से घिरा हुआ है। ऐसे में जेरी अपने परिवार को क्या बचा पाती है, क्या जेरी उन तमाम जो बड़े बड़े ड्रग्स को लेकर जो गैंग है उनका सामना कर पाती है, क्या होता है, ये तमाम चीज़ें देखने के लिए आप फिल्म देखिए क्योंकि मैं पूरी कहानी यहाँ बता दूंगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जाह्नवी कपूर की ये फिल्म अच्छी है, आप इसको ज़रूर देखिए। उस फिल्म में जो है पूरी तरह से वो लीड रोल में है, उनके साथ देने के लिए बहुत सारे कलाकार हैं, उन साथी कलाकारों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। दीपक डोबरियाल हैं जो कि उनके एकतरफा प्रेमी हैं, मोहल्ले में उनको बहुत प्यार करते हैं। वहीं इस फिल्म में बहुत सारे जो साथी कलाकार हैं उनका काम भी बहुत अच्छा है। सुशांत सिंह जो है उनको लंबे समय बाद देखा गया और उन्होंने भी बढ़िया काम किया है।
मीता वशिष्ठ ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। तो कह सकते हैं कि एक तो जाह्नवी कपूर ने अच्छा काम किया है और साथ ही कलाकारों ने भी अच्छा काम करके गुड लक जेरी को वाकई एक गुड फिल्म बना दिया है। इस फिल्म के डायरेक्टर जो है सिद्धार्थ सेन गुप्ता है और उन्होंने जो है साउथ की एक फिल्म को बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। साउथ में जो वो फिल्म थी उस फिल्म में नयनतारा ने काम किया था और यहाँ पे जो है जाह्नवी कपूर बिल्कुल भी नयनतारा की एक्टिंग करती हुई आपको नहीं दिखती, उन्होंने उनकी नकल नहीं की, उन्होंने अपने तरीके से इस फिल्म में काम किया है और बहुत अच्छे तरीके से जो बिहारी एक्सेंट वाली इन्होंने हिंदी बोली है उनको देख करके नहीं लगता कि वो बिहार से नहीं है। तो इस फिल्म में जो है पंजाब और बिहार का फ्लेवर है। आपको बताएं पंकज मट्टा ने इस पूरी कहानी को लिखा है और बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया है। ये फिल्म जो है सिनेमा घरों में भी रिलीज़ होती तो शायद चल जाती। मेरी तरफ से इस फिल्म को जो है 3.5 स्टार।